सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 139 साल पुराने घर को चलते हुए देखा जा सकता है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में रविवार को लोगों ने अजीबोगरीब चीज देखी, जहां एक घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस घर को क्रेन और ट्रक की मदद से धकेला गया तो लोगों की भीड़ लग गई और लोग इसकी वीडियो बनाने लगे। हम आपको बता दें कि ये घर कोई एक या दो साल पुराना नहीं, बल्कि ये 139 साल पुराना घर है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। जब आसपास के लोगों से इस बारे में बातचीत की गई तो घर के पास रहने वाले वांडा रामोस ने कहा, 7 बेडरूम वाले घर को चलते देखना वाकई शानदार अनुभव था। जिस जगह पर घर को शिफ्ट किया गया वहां रहने वाली कैरी कार्टर ने कहा, यह वाकई बहुत बड़ा घर है। इंटरनेट पर अब ये वीडियो वायरल हो रही है और लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद गजब के रिएक्शन दिए। कई लोगों ने अलग अलग एंगल से घर को रिकॉर्ड किया, किसी ने इसे फिल्मी सीन बताया तो किसी ने वीडियो को शानदार बताया। हम आपको बता दें कि इस घर को इंग्लैंडर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने में करीब 6 घंटे का वक्त लगा। सैन फ्रांसिस्को हिस्टोरिकल सोसाइटी की लाना कॉन्स्टेंटिनी ने कहा कि इस घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में रास्ते में कुछ गड़बड़ियां हुई, क्योंकि रास्ते में कई पेड़ थे, स्टॉप साइन थे और लाइट्स थी। इसे देखने वाले एडी रामोस ने कहा, शिफ्ट करते वक्त घर एक लाइट पोल से भी टकराया था और कई पेड़ों से भी टकराया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। जब इस घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था तो पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए थे और क्रू ने भी रात भर काम किया था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर एंथोनी वेनिडा नामक यूजर ने शेयर किया है। इस शानदार घर को जो कोई भी देख रहा है वो देखते ही रह जा रहा है, क्योंकि इस घर का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर और आलीशान है। इस घर को चलते हुए देखना इसलिए भी हैरानी की बात है क्योंकि आज तक इस तरह का नज़ारा कभी किसी ने नहीं देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे आम आदमी पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।